वॉलंटियर के लिए जो वीडियोस हमने बनाए हैं सामाजिक मुद्दों पर, उन विषयों पर जिस पर मेनस्ट्रीम मीडिया या तो खामोश या बोलना नहीं चाहता, क्या इसका ज़मीनी स्तर पे कोई फ़र्क पड़ा है? और थर्ड जेंडर, तीसरे लिंग के लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया है? आज जानने का प्रयास करते हैं विकास और उनके साथियों से। इसका एक अनुपम उदाहरण हम देखते हैं, विकास की कहानी, विकास की ही जुबानी। हम नपुंसक तो है नहीं, हमारे अंदर वो सब चीजें, अगर हम किसी मेल के साथ में रिश्ता निभाना चाहे तो हम लोग कंप्लीटली निभा सकते हैं पूरे जीवन, और विदेशों में भी ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हम जीवन साथी भी चाहते हैं, सम्मान के साथ समाज और परिवार के साथ हम लोग रहना चाहते हैं। तो यही सब सोच के हम लोग एक संगठन बनाए, एक तरह से एक परिवार बनाए। इस वीडियो वॉलंटियर को देख के बहुत से लोग सामने आके हमारे साथ देने की बात की, और कुछ लोग फैमिली की वजह से या सोसाइटी की वजह से उन्होंने कहा कि आपके साथ हैं, हमारा बैक सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा। मेरा नाम रवि कुमार है और मैं इस डॉक्यूमेंट्री को देखकर बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि मैं देखता था हमारे कम्युनिटी के लोगों को जगह जगह परेशानी फेस करना पड़ता है, समस्याएँ ही समस्याएँ हैं। ये पहला प्रयास था कि एक वीडियो के माध्यम से हमारे कम्युनिटी की सारी समस्याओं को बहुत अच्छे तरीके से उठाया गया, और मैं भी चाहता था कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कैसे काम करूं, किस स्तर पे काम करूं, क्या कोई मार्गदर्शक है। तो सबसे पहले जब मैं वीडियो को देखा तो लगा कि हाँ, इस माध्यम से मैं जुड़ सकता हूँ। मैं नकवी जी से परिचय बढ़ाया, उनके माध्यम से विकास जी से जुड़ा, आज मैं मितवा संगठन का सदस्य हूँ, और नकवी जी के मार्गदर्शन से हम लोग अपने कम्युनिटी के लिए विभिन्न स्तर पे प्रयास कर रहे हैं, चाहे सांस्कृतिक हो, शिक्षा हो, या उनके अंदर आत्मविश्वास जगाने की बात हो, या लोगों में सकारात्मक दृष्टिकोण उपजाने की बात हो। आज हम नकवी जी के माध्यम से ये काम कर रहे हैं, और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं ये वीडियो देखा। यदि शायद ये वीडियो नहीं रहता तो मैं मितवा संकल्प समिति से नहीं जुड़ पाता, और शायद कहीं ना कहीं अपने प्रयास में मैं अपने आप को अधूरा पाता। हम अपने जैसे लोग, तमाम जिनकी जो जो समस्या है, एक तरह से हम लोग संगठित होते जाएंगे, और जब हम लोग पूरे राज्यों में, पूरे देश में संगठित हो जाएंगे, तो जो अपनी राइट्स है, जो अपनी मांग है, वो हम सेंट्रल में रख सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितने लोग मुझे थर्ड जेंडर के देख रहे हैं, वो अपने स्तर पर प्रयास शुरू कर दीजिए। तो देखा आपने, छोटा ही सही लेकिन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन शुरू हो गया है लोगों के विचार में, दृष्टिकोण में। एक प्रभाव है, परिवर्तन की एक शुरुआत है, एक लहर है। हम लोग ये चाहते हैं आने वाले समय में इसी प्रकार से सामाजिक मुद्दों पर परिवर्तन आए, हमारे कार्य के द्वारा समुदाय में कुछ सकारात्मक सोच, सकारात्मक पहल, सकारात्मक बहस शुरू हो। इंडिया अनहर्ड के लिए मैं सरवत नकवी, रायपुर छत्तीसगढ़ से।